हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन रसायन एकेडमी केमिस्ट्री। प्लस टू ऑर्गेनिक सीक्वेंस में थर्ड यूनिट एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका फोर्थ लेक्चर आपके साथ है। अभी तक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन और नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर दिया है। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट इट, इसको स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फंडामेंटल बात आप ध्यान में रखो, भाई अगर हमें किसी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है तो हमें उस कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फीचर का पता होना चाहिए। अगर हम उसके स्ट्रक्चरल फीचर के साथ प्रॉपर्टीज को रिलेट कर पाए तो देन वी आर इन ए पोजिशन टू मतलब एक्सप्लेन द थिंग्स इन इन मच बेटर मैनर। यू सी, ये मेरे पास है RCOH, ये कंपाउंड क्या है, मतलब एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, या इन जनरल अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक कार्बोनिल कार्बन है, CO कार्बोनिल कार्बन है। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें आपके पास क्या है, ये है डेल्टा नेगेटिव और ये क्या हुआ डेल्टा पॉजिटिव। मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं दे आर पोलर कंपाउंड्स, तो ये पोलर है। इसके साथ एक और दूसरा मॉलिक्यूल हुआ वो पोलर है, फिर और मॉलिक्यूल हुआ पोलर है, तो इनमें इंटरेक्शन जो हुई वो कौन सी हुई, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। कौन सी इंटरेक्शंस है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। रिमेंबर, ये जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती है ना, दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग नहीं होती, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट वेरी वीक। वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से इनकी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। तो दैट इज द रीजन वाई अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूँ किसके साथ, एल्कोहल्स के साथ, तो एल्कोहल के कंपेरिजन में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, लेकिन हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इन जनरल मैं ये बात करता हूँ कि दैट दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स का जो हम ये कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट की बात करें तो मैं कहूँगा, पहली बात, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं आर लिक्विड, वो लिक्विड होते हैं विद विद लो वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, दे आर नॉट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर बट लोअर वैल्यू ऑफ व्हाट इज नोन एज़ मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब एक्चुअल में इनका दिस इज बिकॉज, इसका आप रीजन लिख सकते हो, इट इज बिकॉज, नोट करते चले, इट इज बिकॉज इन कार्बोनिल कंपाउंड्स द मॉलिक्यूल आर हेल्ड अप टूगेदर, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स द मॉलिक्यूल आर हेल्ड अप टूगेदर बाय डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, बाय डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। दीज इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन, ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, दीज इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन, दीज इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन वेंडरवाल इंटरेक्शन, ये वेंडरवाल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग होती है बट वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होती है बट वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, बट वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी बात, द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दैट गो ऑन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होता चला जाता है, दैट गो ऑन इंक्रीजिंग विद किसके साथ, मॉलिकुलर मास। भाई जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता चला जाएगा ना, मॉलिको मास समझते हो भाई, जैसे मिथेनल इथेनल प्रोपेनल ब्यूटेनल पेंटेनल, ऐसे प्रोपेनोन ब्यूटेनोन है ना, तो जैसे मॉलिको मास बढ़ता चला जाएगा कार्बन एटम उसमें बढ़ते चले जाएंगे तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाता है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास एल्डिहाइड है, ओके, सपोज ये एल्डिहाइड है, अगर मैं इस एल्डिहाइड की बात करूं और साथ में बात करता हूं, जब भी मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं तो यू नो आई ऑलवेज कंसर्न अबाउट इट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड इन वाटर, मैं वाटर में उसमें सॉल्युबिलिटी को कंसिडर करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें ये है कि ये आपके पास एक और एल्डिहाइड है,
क्योंकि एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मैंने लिख दिए। तो व्हाट इज दैट, यहां पे क्या डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो इनमें ये क्या हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते होने चाहिए, होते भी हैं, होते भी हैं, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, है ना, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा एक पोर्शन होता है दैट मेक दोज कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, जैसे अल्कोहल हो गए उसमें OH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें COH ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन उसमें CO ग्रुप है, लेकिन सही बात है ये सॉल्युबिलिटी जो होती है ना वाटर में ये सिर्फ लोअर कंपाउंड्स की होती है, हायर की नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड इज वाटर सॉल्युबल, एसिटाल्डिहाइड इज वाटर सॉल्युबल, है ना, तो हम ये कहते हैं लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इवन प्रोपेनल्डिहाइड इज वाटर सॉल्युबल, तो लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर सॉल्युबल इन वाटर, डोंट से नेवर से दिस थिंग कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वाटर सॉल्युबल, यस यू मे से दिस थिंग दैट लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वाटर सॉल्युबल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए, इवन आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताते हैं कि 40% सॉल्यूशन ऑफ किसका HCHO, HCHO इज व्हाट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% सॉल्यूशन होता है ना इसका नाम होता है फॉर्मेलिन, क्या नाम होता है फॉर्मेलिन, ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड मतलब जर्मिसाइड होता है, वैसे जर्मिसाइड होता है, और इसको इसका एक फंक्शन होता है, आपने देखा होगा आप लैब में कई बार गए हो, लैब में स्पेशली बायो लैब में, तो बायो लैब में ना सिलेंडर्स पड़े हुए होते हैं, उस सिलेंडर में कोई सांप है, कोई मछली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, है ना, उसको एक लिक्विड में डाला हुआ होता है ना, तो वो जो लिक्विड होता है इट इज बेसिकली सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर, फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है इसमें वाटर में 40%, और उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन, क्या नाम देते हैं फॉर्मेलिन। ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज फॉर्मेलिन, इट इज 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्मेलिन, यूज ऑफ फॉर्मेलिन, यूज क्या होता है, इट इज यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, इसको बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए काम आता है। तो ये हमने बात की इसकी क्या सॉल्युबिलिटी की, है ना, तो सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका जो है वो इस तरीके से होता है, बट बेसिकली वी आर कंसर्न्ड अबाउट ओवर हियर इन दिस चैप्टर वी आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं बेटे आपके साथ, सुनिए केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऑब्जेक्टिव एंगल से और सब्जेक्टिव एंगल से दोनों से, और मैं इसको दोनों को एक बिल्कुल एक फंडामेंटल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटे जब भी आप किसी भी एक कंपाउंड की बात करें, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी है चाहे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो आप उसे स्ट्रक्चर को जरूर देखें एंड ट्राई टू रिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड विद द प्रॉपर्टीज। देखिए अगर मैं कहूं ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो उस कार्बोनिल कंपाउंड में ये क्या ग्रुप हो गया, सी डबल बॉन्ड रूप मीन अनसेचुरेटेड, क्या है ये अनसेचुरेटेड सिस्टम, तो ये अनसेचुरेटेड ग्रुप है, इसको मानना पड़ेगा, और ये जो अनसेचुरेटेड ग्रुप है अनसेचुरेशन है, मैं इसको ऐसे बोलूंगा अनसेचुरेशन है, और ये जो अगर अनसेचुरेशन है इसमें, है ना, तो इसको मतलब इट मस्ट अंडरगो कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इसमें एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए। आई थिंक आप मेरे इन लेक्चर्स को देख देख कर आपको इतना तो पता लग गया होगा कि आप किस तरीके से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब दूसरी बात, मैं यूज करता हूँ दूसरा पेन है मेरे पास, यस, तो डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव ये स्ट्रक्चर है, फर्दर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, ओके, ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, और जैसे ही इसको अटैक करेगा तो इससे क्या होना है, यू सी सी यहां पे क्या एन यू और ओ के ऊपर क्या चार्ज नेगेटिव, ओ के ऊपर क्या चार्ज नेगेटिव, अब इसके बाद इसको क्या है एच प्लस आयन अटैक हो जाएगा एंड यू सी व्हाट हैपेंस एच यू और ये एन यू और ये क्या हो गया ओ एच।
फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो ये कहता हूं कि यस इसमें एडिशन रिएक्शन हुई, बट वो जो एडिशन रिएक्शन है दैट्स बीइंग प्रोवोक्ड, दैट्स बीइंग इनिशिएटेड, दैट इज बीइंग स्टार्टेड बाय न्यूक्लियोफाइल. इसलिए इन कंपाउंड्स की फंडामेंटल जो रिएक्शन हैं वो कौन सी हैं? दे आर ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. दीज आर बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. दीज आर फंडामेंटली कौन सी रिएक्शंस हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं. इस बात को मान के चले सबसे पहली बात. अब अगर हमें ये पता लग गया कि इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो हम डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं और उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. सुनिए, मैं एक कंपाउंड लेता हूं और वो कंपाउंड है मेरे पास क्या? एच सी ओ एच, आर सी ओ एच, आर सी ओ आर. तीन कंपाउंड दिए गए. These three are the different compounds. You see, RCHO, RCHO and RRCO. ये compounds हैं. अगर मैं इनकी बात करूं, तो ये आपके पास क्या है? Formaldehyde. Okay? ये formaldehyde है. ये आपके पास क्या है? Aldehyde. Other than formaldehyde. और ये आपके पास एक fundamentally एक ketone है. ये fundamentally एक ketone है. ठीक है बच्चों? अब वडाई से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अब ऐसा है, इसके ऊपर आना है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है जिसने इसके ऊपर अटैक कर दिया. अब इसको अटैक करने के दो पैरामीटर्स है. ठीक है, पहला पैरामीटर क्या है? अब ये देखो भी इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है जिसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. एक सिंपल सी बात है, अभी अगर इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा हो, अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा हो, है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको ज्यादा इजिली अटैक करेगा क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव ने अटैक कर रहा है, तो इसलिए उसका अटैक की जो एबिलिटी है वो ज्यादा हो जाए. लेकिन अगर आपके पास, अगर आपके पास ये जो है पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा फैक्टर्स जो इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा, वो इनकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा, वो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा. अब आप ये देखो बेटा कि यहां भी एल्काइल ग्रुप है, ये दो एल्काइल ग्रुप है, दोनों एल्काइल ग्रुप ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसको ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट टू द कार्बन, और उससे क्या हुआ, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो कम हो गई. यहां पर एक ग्रुप है, एडीएन में एक तो एसेंशियली हाइड्रोजन है ही है, और यहां पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है कि जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके. इसमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और यहां पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इनमें से कम होगी, सबसे कम होगी. और अगर ये कम है, इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होगी, कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होगी, एंड अमंग एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. मैं चाहता हूं कि आप इस लाइन को लिख लें. इफ वी कंसीडर प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन, अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन, वी मे से दैट देयर प्रेजेंस डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ, वी मे से दैट देयर प्रेजेंस डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज which make attack of nucleophile, which make the attack of nucleophile difficult.
जिस दिन न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो मुश्किल हो जाएगा, विच मेक द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट, विच मेक द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट, जिससे बेटे न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा, विच मेक द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट, एंड हेंस जिससे बेटे न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा, एंड हेंस दिस फैक्टर मेक्स क्या कीटोन्स लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स एंड फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव अमंग एल्डिहाइड्स। ये हम एक जनरल बात कहेंगे क्या कि जो कीटोन्स है उनकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से क्या होता है कि लेस होती है, और एल्डिहाइड्स में से जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। आई होप सो दैट दिस सिंपल फैक्टर इज क्लियर टू यू, आपको समझ आ गया होगा। तो ये होता है ऑन द बेस ऑफ कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैं एक और फैक्टर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब मैं स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूंगा, सुनो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है। ये आपके पास क्या है, दो अल्काइल ग्रुप है, कार्बन कार्बन के ऊपर लगे, यहां पे एक अल्काइल ग्रुप है बड़ा और एक छोटा है हाइड्रोजन, और यहां पर तो दोनों छोटे हैं हाइड्रोजन। आमतौर पे देखो बेटे, आमतौर पे क्या, वैसे तो न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी रहती है कि वो बैक साइड से अटैक करता है, और जो प्लैनर कंपाउंड होते हैं ना भाई, कार्बोनिल कार्बन तो प्लैनर है, कार्बन की उसमें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जो उसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लैनर है, तो बिकॉज ऑफ द ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोनिल कार्बन है ना, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रियर, रियर मतलब बैक साइड, फ्रॉम द रियर साइड ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। तो जब यो ये न्यूक्लियोफाइल है यहां पे अटैक करेगा तो उसको मुश्किल होगी, यहां पे अटैक करेगा ठीक है अप्रोच कर जाएगा, यहां पे तो आएगा और ये ले अटैक, सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज दैट, हम ये कह सकते हैं दैट द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन मेक द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट, विच मेक्स कीटोन्स लेस रिएक्टिव then aldehydes and among aldehydes formaldehyde most reactive, ठीक है। तो इस बात को भी लिख लो यार, if we consider the attack of nucleophile, if we consider the attack of nucleophile, it always attack from a rear side, वो हमेशा attack करता है rear side से, it always attack from rear side, and the presence of alkyl groups hinders ka matlab rokte hain, hinders the approach of nucleophile, wo nucleophile ke approach ko hinder karenge, rokenge, hinders the approach of nucleophile, theek hai। This factor makes aldehydes more reactive than ketones. Aldehydes को ज्यादा reactive बनाएंगे किसे, ketones, and among aldehydes और aldehydes में से है ना formaldehyde मोस्ट रिएक्टिव, ये फॉर्मेल्डिहाइड को मैक्सिमम रिएक्टिव बना, इट मेड फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव। समझ आ गई, आई होप सो कि दैट दिस आइडिया इज वेरी सिंपल एंड क्लियर टू यू, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आइडिया। इसमें ना कई बार क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन ये आते हैं, सुनो ऑब्जेक्टिव में
सब्जेक्टिव वाले तो मैंने लिखवा दिए है ना भाई, वाई दिस इज मोर रिएक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसे आता है, सुनो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद से HCl, HCl में अटैक करने वाला ग्रुप क्या है, Cl माइनस, या न्यूक्लियोफाइल, या कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, न्यूक्लियो में सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन सॉरी। अब देखो जैसे अगर मैं कह दूं एक ही कंपाउंड है HCHO, दूसरा कंपाउंड है मेरे पास CH3COCH3, ओके मेरे पास बोल दिया कंपाउंड है CH3CH2COCH3, से मेरे पास कंपाउंड है CH3CHO है ना, से मेरे पास एक कंपाउंड है पांचवा एक और लगा लेते हैं से CH3CH2COCH2CH3, ये वाला कंपाउंड, इन कंपाउंड को मैं नंबर देता हूं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, दिस इज नंबर फोर एंड दिस इज नंबर फाइव। सुनिए, अगर मुझको इनके रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है ना, तो सिंपल सी बात है भाई, ये आपके पास एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्टिविटी तो भैया सबसे ज्यादा है ही है, ये सबसे ज्यादा हो गई। अब ये फोर्थ जो है ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन उसमें मिथाइल ग्रुप लगा है, इसका उसकी रिएक्टिविटी, इसके बाद उसकी रिएक्टिविटी आएगी, मतलब फोर्थ की। अब ये तीनों कीटोन है, अब इन कीटोन में से एक सिंपल सी बात है, लार्जर इज द ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन, लेसर विल बी द रिएक्टिविटी। इसमें क्या है, दो इथाइल ग्रुप लगे हैं, इसमें एक इथाइल और एक मिथाइल, और इसमें दो मिथाइल ग्रुप लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड, देन थर्ड, देन फिफ्थ। बेटा जो चेंज सिनेरियो है, जो चेंज स्टाइल है आपका पेपर का, उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो फिर, क्योंकि 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर बनना है, तो उसके बीच में इस टाइप के क्वेश्चन को हम एज ए ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, बिकॉज उससे बच्चे का कंसेप्ट भी आ जाता है एंड हमारी जो है ना सेटिस्फेक्शन वो भी हो जाती है। तो इसमें आप एक बात लिख सकते हो, इन जनरल लार्जर इज द एल्काइल ग्रुप, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, लार्जर इज द एल्काइल ग्रुप, लेसर विल बी द रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, लेस विल बी इट्स रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, लेसर विल बी इट्स रिएक्टिविटी। चलिए मैं आपके साथ एक बात और डिस्कस करता हूं, और वो है, सुनो ये मेरे पास, आप अगर हो सके तो साथ साथ मेरे को ड्रॉ कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी आप करें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, ये मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है ना, अगर आर ग्रुप क्या होगा H, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, अगर आर ग्रुप क्या CH3 बेंजीन कुछ भी ऐसा, तो क्या हो गया, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या है, डेल्टा नेगेटिव, ये क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव, ये तो होता ही है, लेकिन इसमें इसके रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स ये होती है, क्या होंगे इसके रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स, सी अगर मैं मान लूं ये ऑक्सीजन ले गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, आर ये हुआ, दिस इज वन रेजोनिंग स्ट्रक्चर, यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स, अगर आप साथ साथ में ना लिख पाए तो यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट, after that you can try it and compare whether you have written it correct or not। तो ये मैं इसकी resonating structures लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप इसको देखते चले जाए इस तरीके से, I hope so that you are in all in a position to understand that what I am writing, मैं क्या लिख रहा हूं,
इस बात का आपको आप समझ रहे होंगे. एंड ओवरऑल व्हाट इज दैट दिस ओ आर, ये आपके पास क्या होंगे. तो दीज आर वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आई हैव रिटन. अगर आपको आप साथ साथ में नहीं लिख पाए तो कैन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट मेरे पास, बिकॉज ज्यादा समय नहीं है, है ना, कि मैं आपको वेट कर पाऊं इस क्लास के लिए कि आप इसको नोट करें. आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. लेकिन आप देखिए जो बात नोट करने वाली है वो नोट जरूर करें, वो मैं आपको लिखवाता भी हूं, आप लिखना भी प्लीज. आप सभी इधर ध्यान दें कि अगर आप ये देखोगे कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन. जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है दैट इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर. लेकिन जैसे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो बेंजीन रिंग जो उसके साथ लगा हुआ था उसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, है ना. मींस कहने का मतलब ये हुआ कि जो CHO ग्रुप है इसका माइनस आर इफेक्ट हुआ, इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए. लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया और यहां पर आ गया. कहने का मतलब ये हुआ कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बोनिल कार्बन गेट डिस्पर्स्ड ओवर द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के ऊपर डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्स हो गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई. अगर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी उसके ऊपर कम हो गई, रिएक्टिविटी कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं दे आर मच लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स. लिखो एफिसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ, एफिसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स वी मे से दैट ड्यू टू रेजोनेंस, वी मे से दैट ड्यू टू रेजोनेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, वी मे से दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बोनिल कार्बन गेट डीलोकलाइज्ड ओवर, डीलोकलाइज हो जाता है किसके ऊपर, गेट डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो गया. देयर बाय इट डिक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ, देयर बाय इट डिक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देयर बाय इट डिक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मेक्स aromatic aldehydes and ketones and makes aromatic aldehydes and ketones much less reactive than aromatic aldehydes and ketones. Much less reactive than aromatic aldehydes and ketones. I hope so कि आप समझ रहे हैं. अब हम इसके बाद तो जैसे अगर मैं यहां पर एक बात कहूं कि that is आप arrange the following compounds, ऐसे क्वेश्चन है, arrange the following compounds in order of their increasing reactivity. In order of the increasing reactivity. तो आप ये देखो सपोज ये कंपाउंड हो CH3CHO, दूसरा आपके पास ये वाला कंपाउंड हो एसिटोफिनोन, तीसरा आपके पास ये वाला कंपाउंड हो सपोज बेंजोफिनोन, चौथा आपके पास ये वाला कंपाउंड हो से बेंजल्डिहाइड, ये वाला कंपाउंड. तो दिस इज कंपाउंड वन, दिस इज कंपाउंड टू एंड दिस इज कंपाउंड थ्री, दिस इज कंपाउंड फोर, ये कंपाउंड ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन और बेंजल्डिहाइड. इसमें सबसे रिएक्टिव रिएक्टिव नो डाउट वन होगा एल्डिहाइड. उसके बाद फोर्थ होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड है,
उसके बाद कौन सा आएगा? सेकंड वाला। और सबसे कम कौन सा आएगा? थर्ड वाला, क्योंकि है तो कीटोन, क्योंकि है तो कीटोन, एरोमेटिक कीटोन है, दो बेंजीन रिंग। जितने बड़े बेंजीन रिंग हो गए उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो जाए। तो मतलब आपको अपना, मतलब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करें, थोड़े से कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए उनको यूज करें, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, जिसमें जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन, मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा और उसके न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच को मुश्किल करेगा, उससे उस एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। मैं कुछ रिएक्शंस आपके साथ डिस्कस करता हूं, और मैं सबसे पहली रिएक्शन है इसकी, बच्चों सुनिए, फाइव टाइप की रिएक्शंस हैं। और वो फाइव टाइप की रिएक्शंस हैं कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है, और एक फिर मिसलेनियस रिएक्शंस। इसके लिए मैं टोटल फोर लेक्चर लूंगा, कम से कम फोर फाइव भी हो सकते हैं, इट कैन बी। लेकिन अगर आपको ये सारे लेक्चर समझ आ जाते हैं तो ये आप मान के चलना कि आपको काफ़ी कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया, और इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर यू। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप की इसकी रिएक्शंस, और वो पहले टाइप की रिएक्शंस कौन सी हैं? रिएक्शन विद HCN, ये है रिएक्शंस का नाम लिखता हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इट इज रिएक्शन विद HCN। सुनिए, ये आपके पास कोई भी कार्बोनियल कार्बन, कोई भी कार्बोनियल कार्बन, अगर आप इस कार्बोनियल कार्बन को HCN से ट्रीट करवा दे तो बड़ा सिंपल सी बात है, क्या ये साइनाइड है? नेगेटिव चार्ज, ये आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो इट विल बी ओ नेगेटिव, ओके, एंड दिस इज CN, और उसके बाद आपके पास क्या हुआ? H+, इसने इसको अटैक किया, व्हाट हैपेंस? दैट इज ये कंपाउंड बना OH और CN। ये कैसा कंपाउंड है? ये कैसा कंपाउंड मिला जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर OH और CN हो? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर OH और CN दोनों हो उसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये बिल्कुल नया सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में आपको करवाता चला जाऊंगा साथ साथ में। इसकी इसमें बहुत सारे, जैसे आपको मैं आपको वैसे ही अब आप बताता हूँ, एक कंपाउंड हो उसमें यहाँ पे CL हो और OH हो एक ही कार्बन के ऊपर, तो उसे बोलते हैं क्लोरोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ब्रोमोहाइड्रिन, लाइक दैट, इस टाइप से कंपाउंड। अब मैं इस कंपाउंड का नाम बता क्या लिखता हूँ? आई राइट साइनोहाइड्रिन ऑफ। ऑफ ऑफ का मतलब क्या? अरे भाई जो एल्डिहाइड, जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ दिस इज व्हाट इज नोन एज CH3COH प्लस HCN, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3HCOH एंड दिस इज CN, दिस विल बी साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, दिस इज साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। सपोज मेरे पास ये वाला कंपाउंड हो, सुनिए, एसीटोन हो, CH3CH3CO प्लस HCN, ठीक है, तो इसे क्या बनेगा? CH3CH3, यहां पे क्या OH, दिस इज व्हाट CN, दिस विल बी साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटोन, ये एसीटोन का साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटोन, ओके। अगर मैं यहां पर लिख दूं सपोज बेंजल्डिहाइड, ओके, बेंजल्डिहाइड लिख देता हूं, सपोज बेंजीन के ऊपर COH, तो इसको जब मैं HCN से ट्रीट करवाऊंगा तो व्हाट आई विल गेट? बेंजीन, इसके ऊपर क्या? COH CN, और ये क्या?
तो है ही है. तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजाल्डिहाइड. इट विल बी साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजाल्डिहाइड. साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजाल्डिहाइड. मैं बात करता हूं आईआईटी एडवांस, मैं बात करता हूं आईआईटी एडवांस की. वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़ी निर्दयता से पूछे जाते हैं, बड़ी एक डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, बड़ा कंसेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं. इस रिएक्शन के बेसिस के ऊपर 3-4 years बैक एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं उस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करता हूं. लिखे कन्वर्ट 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 इथाइल एल्कोहल टू लैक्टिक एसिड. कन्वर्ट इथाइल एल्कोहल टू लैक्टिक एसिड. मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी इलेबोरेट कर दूंगा आपके लिए. व्हाट इज दैट? सुनिए, अब जो मैं अप्रोच आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मेरे अप्रोच को बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से. व्हाट इज दैट? सुनिए, मेरे पास रिएक्टेंट क्या है? इथाइल एल्कोहल ना, एंड इससे मैंने क्या बनाना है? लैक्टिक एसिड. भाई इथाइल एल्कोहल से मुझे लैक्टिक एसिड बनाना है. अब मैंने आपको बताया कि जब भी आप कन्वर्जन करें, जब भी आप कन्वर्जन करें, तो उसमें एक सिंपल बात याद रखें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर लिखें और फिर सोचें. चलो मैंने रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर लिख दी, आता है, अब लैक्टिक एसिड मुझे स्ट्रक्चर नहीं आती, क्या करें? चलो खैर मैंने रट्टा मारा कहीं से, तो ये मेरे को पता है ये लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर है. सुनिए, लैक्टिक एसिड की आपको स्ट्रक्चर वैसे आनी चाहिए. जब आप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करते हैं तो उसके ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल यू टेक लैक्टिक एसिड काइरल कार्बन. तो ये कंपाउंड होता है लैक्टिक एसिड, है ना? अब पता क्या है, अब यहां पे खड़े हो गए सोचो, है ना, कभी इधर देखो, है ना, और कभी फिर इधर देखो, ये क्या हो रहा है? यू हैव टू थिंक इसके साथ इसका क्या संबंध है, क्या ऐसी चीज हो सकती है कि जिससे एक कंपाउंड बन जाए? सुनो एक सेकेंड, मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे सोचा. इसमें एक दो कार्बन और इसमें एक दो तीन कार्बन, है ना, मतलब एक कार्बन ज्यादा है. इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे मुझे एक कार्बन ज्यादा लगाना है. और जो COH है, जब भी COH आया हुआ है किसी भी कंपाउंड में, ये अब सोचना है. अब ये मत कहो तो सर आपको तो याद हो गया, हाँ मैं कैसे सोचूं? अरे बेटा पढ़ ले फिर सोच अपने आप आ जाए, ठीक है? इट विल बी अ नॉनसेंस क्वेश्चन इफ यू आस्क मी सर कैसे सोचूं. बेटे पहले वाली सारी रिएक्शन समझ ले और फिर अपने आप सोच. अब ऐसा है, मेरे को एक बात का पता है कि अगर मेरे पास यहां पर क्या ग्रुप हो, CN हो, तो मैं उसकी अगर पूरी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं, H2O H ion कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब 2 हाइड्रो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर मैं इसकी कर दूं, तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है. यस आई कैन गेट दैट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं, इससे मेरे को ये वाला कंपाउंड मिल जाता. तो मैं ये देखो तो बेसिकली मेरे पास ये साइनोहाइड्रिन है, ये मेरे पास क्या कंपाउंड है? आईआईटी मेंस की प्रॉब्लम करवा रहा हूं, तो फिर लेवल तो वही होएगा, सोचना भी आपको उसी लेवल पर पड़ेगा. ये अगर मैं कहता हूं दिस इज व्हाट साइनोहाइड्रिन है ना, साइनोहाइड्रिन है किसका, किसका भाई? सीएन और एच को हटा दो तो CH3CH होगा, इसका ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है, साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटाल्डिहाइड है. इसका मतलब साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटाल्डिहाइड तो तब मिलेगा अगर मेरे पास एसिटाल्डिहाइड मिलेगा. इसका मतलब अगर मेरे पास कहीं से एसिटाल्डिहाइड मिल जाए तो ये कंपाउंड मिल जाएगा, समझे? तो एसिटाल्डिहाइड चलो बनाते हैं, देखते हैं, करते हैं कोशिश. CO एल्डिहाइड मुझे चाहिए, अगर मेरे पास एल्डिहाइड मिल गया
मैं उसकी HCN से ट्रीटमेंट कर दूं तो मेरे पास ये होगा कॉलेज डन, ये मिल जाएगा। अब बात ऐसे है, अगर मैं अल्कोहल को कॉपर 573 केल्विन से ट्रीट करवा दूं इथाइल अल्कोहल को तो मेरे पास एल्डिहाइड मिल जाते हैं, तो इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो गई। सुनो एक बात और बताते हूं, अगर मैं इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूं, ये क्या है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो मुझे ये कंपाउंड मिलते हैं OH बेटा साइनाइड अपॉन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव एमाइड्स CONH2 एमाइड, और ये एमाइड किसका है लैक्टिक एसिड का है, लैक्टिक एसिड का एमाइड है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ लैक्टामाइड, क्या है लैक्टामाइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस साल ये वाला क्वेश्चन घुमा के पूछना हो तो ऐसे पूछा जा सकता है क्या कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू लैक्टामाइड, ये तो आया हुआ बेटे क्वेश्चन, ये आ सकता है। चलिए एक और रिएक्शन का बात हो, आप बेटे इस टाइप की रिएक्शन जो भी मैं करवाता हूं उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे। आई होप सो दैट आई शुड प्रोसीड फर्दर नाउ। देन नेक्स्ट है इट इज रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइट NaHSO3, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइट। मैं यहां पर सिर्फ आपको रिएक्शंस नहीं करवा रहा, इन लेक्चर्स में सिर्फ रिएक्शंस नहीं करवा रहा, उस रिएक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं है ना वो मैं सारी आपको डिस्कस करूंगा, इसलिए जितना सिंपल बुक में दिया हुआ है उतना नहीं मैं उससे कहीं ज्यादा आपको इन लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। यह अपने मेरे पास कार्बोनिल कार्बन है, सपोज ये मेरा कोई कार्बोनिल कार्बन है और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ NaHSO3 के साथ, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और HSO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो बड़े सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई बात बताने वाली नहीं है, ये तो ऐसे इसके ऊपर अटैक किया ही किया, यस किया, इसने ऐसे अटैक 100% ऐसा ही अटैक हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो अटैक हुआ इसको आप ध्यान से समझें, इससे क्या बना CO नेगेटिव चार्ज SO3H और यहां पे क्या आ गया Na+, भैया यहां पे नेगेटिव चार्ज आया इसलिए Na+ को ले लिया, व्हाट इज दैट, ये इसलिए इसको ऐसे अटैक कर। बच्चों मैंने आपको जब केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनोल करवा रहा था तो वहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया था, और मैंने वर्ड यूज किया था सॉल्ट्स आर ऑलवेज फाउंड फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर एसिड्स, जो सॉल्ट्स हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड से बनते हैं, सॉल्ट्स आर ऑलवेज फाउंड फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एसिड्स। तो सुनो ये एसिड है आपके पास कौन सा सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और यहां भी अगर OH होता तो ये क्या होता है अल्कोहल, ये क्या सल्फोनिक एसिड, और ये क्या अगर OH ग्रुप होता तो क्या होता अल्कोहल, है ना। अब अल्कोहल इज मच वीकर एसिड देन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड की एसिडिक करेक्टर तो HCl HBr की तरह होती है, और इसकी ये तो वाटर से भी कम एसिडिक है, तो फिर सॉल्ट ये तो नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, ये बनाएगा, इसलिए ये कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट एज रीअरेंजमेंट, कैसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे एग्जिस्ट करेगा OH SO3Na, OH SO3Na। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है सुनो सोडियम बाइसल्फाइट एडक्ट ऑफ, इट इज सोडियम बाइसल्फाइट एडक्ट, एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट,
सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट ऑफ जो भी है ना ऑफ अगर एसिटाल्डिहाइड तो एसीटोन है ना बेंजल्डिहाइड कोई भी इस तरीके से ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं सुनो इस लेक्चर में सिर्फ यही वाली रिएक्शन डिस्कस करूंगा आगे और भी बहुत सारी इसमें रिएक्शंस हैं वो आज अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज लेक्चर विल बी डन टू लेंथी तो मैं इसको डिस्कस करूंगा इट विल टेक हार्डली 7-8 मिनट्स मोर। मैं बात करता हूं रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको करवा दी तो मैं सीधी बात करता हूं। सीधी बात ये है कि आपके पास ये वाला कंपाउंड है CH3HCO प्लस NaHSO3 जब इसकी रिएक्शन हुई तो इससे बना CH3HOHSO3Na। क्या नाम लिखूं इसका क्या मैं ऐसा नाम लिख दूं सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट ऑफ एसिटाल्डिहाइड ऐसे अगर मैं ये लिख दूं CH3CO ये क्या हुआ एसीटोन प्लस NaHSO3 इससे क्या बना CH3COHSO3Na सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट ऑफ एसीटोन अगर बेंजल्डिहाइड हो तो इसे क्या बनेगा बेंजीन इसके ऊपर CHOHSO3Na सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड वेरी ट्रू। ये बात आपको समझ आ गई तो दिस इज दैट फंडामेंटल थिंग दैट सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट ऑफ एसिटाल्डिहाइड ऑफ एसीटोन ऑफ बेंजल्डिहाइड इस तरीके से मैंने आपको ये बात बताई। सुनिए यहां पर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा इसके अंदर और घुसना चाहता हूं और वो ये है ये जितने भी अडक्ट्स होते हैं दीज आर ऑल बेसिकली वाइट प्रेसिपिटेट्स ये वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। बहुत बढ़िया बड़ी अच्छी खुशखबरी होती है किसी साइंटिस्ट के लिए कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइप के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप की गैस निकल रही है एक पर्टिकुलर टाइप की ऑब्जर्वेशन आ रही है जिसको हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सके। तो वो वाली जो रिएक्शंस होती हैं दे आर यूजुअली यूज्ड टू डिटेक्ट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ऑफ दोस सब्सटेंसेस है ना। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड देखो this reaction can be used to distinguish carbonyl compounds ये reaction को use कर सकते हैं to distinguish क्या carbonyl compounds from other compounds दूसरे compounds से carbonyl compounds को distinguish करने के लिए काम आ जाते हैं। ठीक है जरा एक स्टेप और अंदर जाने दो इस रिएक्शन के प्लीज। अच्छा क्वेश्चन लिख लो भाई क्वेश्चन लिखो एक क्वेश्चन हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड इथाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड आई होप सो कर सकते हो दोनों में सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट डालो शेक करो जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए हो एल्डिहाइड है जिसमें नहीं आए हो वो अल्कोहल है बस एक सिंपल सी बात है। चलिए एक स्टेप और चलते आगे जस्ट एक स्टेप और ऐसा है ये मेरे पास सपोज एक चलो मैं एसिटाल्डिहाइड की बात करता हूं ये था मेरे पास एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल था मैंने इसमें NaHSO3 डाल दिया ठीक है NaHSO3 डाल दिया तो इसे ये प्रोडक्ट बना CH3CH ये क्या SO3H
की बजाय एन ए, यहां पे ओ एच, और मुझे पता कि ये वाइट प्रेसिपिटेट से, वाइट प्रेसिपिटेट। आप ऐसे ही इमेजिन करो कि ये मेरे पास एक बीकर था और इस बीकर में मेरे पास इम्प्योर सैंपल था एसिटाल्डिहाइड का। I was having an impure sample of क्या acetaldehyde, तो मैंने इसमें sodium bisulfite डाल दिया, उसको shake किया, react होने दिया, तो जितना भी acetaldehyde होगा वो सारा sodium bisulfite के साथ react करके नीचे white precipitate बना देगा। तो इन precipitates को I separate out, मैंने separate out कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ, मैंने separate out कर लेता हूँ, और इसमें या तो मैं क्या डाल दूं HCl, या मैं इसमें क्या डाल दूं NaOH, चाहे मैं इसमें HCl डाल दूं चाहे मैं NaOH डाल दूं। अगर मैं HCl डालूं तो हमें CH3 COH प्लस NaCl प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें CH3 COH प्लस वाटर प्लस Na2SO3, ये मिल गया। मतलब क्या है कि मेरे पास वो एल्डिहाइड दोबारा मिल गया, ये एल्डिहाइड रीजनरेट हो गया है ना। अब इस सैंपल में मेरे पास क्या है, ये बाकी तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है, डिस्टिल कर लूंगा मैं, ये बाहर निकल आएगा, इसमें से भी इसको डिस्टिल कर लूंगा तो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। हाँ लिखो, एस सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट्स, एस सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट्स ओन ट्रीटमेंट विद मिनरल एसिड्स, ओन ट्रीटमेंट विद मिनरल एसिड्स और एल्कलीज, ट्रीटमेंट विद मिनरल एसिड्स और एल्कलीज यील्ड बैक द पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, द पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स देयरफॉर दीज रिएक्शंस आर यूज्ड, देयरफॉर दीज रिएक्शंस आर यूज्ड टू प्यूरिफाई द इंप्योर सैंपल ऑफ, to purify the impure sample of carbonyl compounds, but जो carbonyl compounds हैं, उनके impure sample को purify करने के लिए काम आता है, to purify the impure sample of carbonyl compounds। ये मैं first type की reaction आपके साथ discuss कर रहा था, कौन सी nucleophilic addition reaction, और इसमें सिर्फ मैंने अभी दो ही reaction discuss की, और वो reaction क्या थी, reaction with HCl and reaction with sodium bisulfite। अभी इसमें कुछ और भी रिएक्शन है, रिएक्शन विद अल्कोहल है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हाँ है ना, और भी काफ़ी सारी है ना। तो वो सारी रिएक्शंस मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा, और साथ में नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि इन रिएक्शंस में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, इनको अगर आपको देख रहे हैं, आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, है ना, आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं इस केमिस्ट्री के बारे में, तो कीप वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को भी एनर्जी मिले कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे लेक्चर्स लेके आ सकूं। थैंक यू।